बीजेपी वालों में सबसे मजबूत कौन है? वो तो बीजेपी से और महाराष्ट्र वाले दोनों झगड़ रहे हैं आपस में। आपके फायदा है? हमारे फायदा। वो भाजपा वाला छेड़ता तो नहीं, देखो वहाँ का लड्डू आ गया है, कांग्रेस वाला लड्डू कटे। चुनाव में क्या होगा ये बताओ मुझे। चुनाव में क्या होगा? बीजेपी जीतेगी नहीं जीतेगी? छोरारो कॉलेज कटे होने छोरारो भी वाणी माने बटे बटे और बटे भी कॉलेज ही दो नगर काम पे चालू कर रहा है। वो तो काम था के रहा हो थाने खड़ा करे तो हिम्मत सिंह झाला हूँ बता वोट ले आओ। यूँ तो मने अटे उभो करे तो मुँह अड़ा बता वादा कर दू। ये कह रहे हिम्मत सिंह जी झाला जी तो वोट तो मैं लिया। हाँ ले आएंगे ना, उसमें क्या है? और उन्होंने मिठाई विठाई बांटी है। वाह, अरे लाडू बांटा वोट नहीं थे, मैंने बांटने से वोट आएंगे क्या? अरे यार मैं बटने अतरो घटने जय आया जो था बीड़ी लगे थी यार। 21,000 मनका दर्शन कराया, 21,000 तो मेरा वोट ही नहीं आया। एक पंचायत से क्या होगा यार? मेरे को एक बात पता नहीं चल रही है गहलोत सरफ साहब की। मोबाइल वाटे लुगाया ने, कॉलेज बनावे लुगाया, छोरे का छोरा कहीं बगाड़ियो। राजसमंद एक्सप्रेस पहुंच गई है वल्लभ नगर। अभी यहां पर ये जिस जहां बैठा हूं ये कन्या महाविद्यालय है, इसके इसका इनॉग्रेशन होना है, इसका शुभारंभ होना है, पीछे कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी सी, अपन वल्लभ नगर के चुनावी परिदृश्य को समझेंगे, मगर आग्रह इतना है आप सभी लोगों से कि चुनाव में वल्लभ नगर का भी पूरा पहुंचाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्या नाम है आपका? रूपलाल नाम। रूपलाल जी कौन सा गांव है आपका? पाणुंद पंचायत। पाणुंद, अब कार्यक्रम तो चल रहा है, बिल्डिंग भी बढ़ी है, कांग्रेस की नींव कितनी मजबूत है? बहुत मजबूत है हमारे, 90% मजबूत। 90% कांग्रेस की खुद की मजबूत है कि बीजेपी का लापता है लड़ाई है इसलिए मजबूत है? कांग्रेस की मजबूत है, कांग्रेस 10% है, बीजेपी वाले है, महाराज साहब वाले भी आपस में झगड़ रहे हैं। वो बीजेपी वालों में सबसे मजबूत कौन है? वो तो बीजेपी से और महाराज साहब वाले दोनों झगड़ रहे हैं आपस में। आपके फायदा है? हमारे फायदा। उधर लड़ाई चल रही है, आप मजे ले रहे हो बस है। इस बार क्या होगा चुनाव में? पिछली बार उपचुनाव था, आप जीत गए सहानुभूति में, इस बार सहानुभूति नहीं है? हम लोग हमारे पंचायत 90% जो प्रतीक कुंवर के संबंध एक पंचायत से क्या होगा? वो एक से नहीं, हमारी पंचायत का सर्वे बता रहा हूँ। तो मैं आपकी पंचायत का कह रहा हूँ, एक पंचायत से थोड़ी जीतेंगे? वो तो हमारे यहाँ 72 पंचायत है, करीब करीब 60-70% है वोट आज की तारीख से। आप कोई कांग्रेस में पद वद पे हो गया? मैं उप सरपंच हूँ। तो गाँव के उप सरपंच हो? पंचायत का। अच्छा, पंचायत के। तो अभी यार उपसरपंच साहब मेरे को ये बताओ कि इस बार लोग कह रहे हैं कि सीपी जोशी भी यहाँ से अब प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी अपना जोर लगाएंगे, कांग्रेस भी अपना जोर लगाएगी, लड़ाई किसके है? बीजेपी के, कांग्रेस के है कि महाराज साहब के, कांग्रेस के है कि उदलाजी डांगी के? प्रतीक कुंवर और हिम्मत सिंह झाला। अच्छा, बाकी दोनों? बाकी दूसरे, तीसरा नंबर, चौथा नंबर पे। अच्छा, दूसरे दौड़ में ही नहीं है? ये तो मेरे बात समझ में, लोग तो कह रहे हैं कि यार बीजेपी तो जमा ना जब तू पिछली बार यहाँ जब भी, अभी अभी वो नया नया कैंडिडेट है हिम्मत सिंह झाला, प्रतीक कुंवर दोनों के लड़ाई है। झाला झाला साहब मतलब मेहनत की दिखती है, मिठाई घर पे मिठाई पहुँच रही है, उसका फायदा हो रहा है। मिठाई वो उज्जैन का माँ काल ले गए यार, ये उज्जैन उज्जैन माँ काल कहते हैं कांग्रेस वाले कार्यकर्ता कहते होंगे ना यार, अपने भी कहीं तो चालू करो यात्रा व्यात्रा। नहीं हम तो नहीं जाएंगे, हम ईमानदारी है, हम लड्डू थोड़ी खाएंगे, लड्डू नहीं खाएंगे, विकास का कार्य देखेंगे। तो विकास तो वो भी करवाएंगे, उनको मौका ही नहीं मिलेगा तो कैसे करवाएंगे? अभी जो चुनाव जीतेगा वो करवाएगा विकास? नहीं साहब, हम तो परंपरा से कांग्रेस नहीं, भाजपा वाला छेड़ता तो नहीं, देखो वहाँ का लड्डू आई गया है, कांग्रेस वाला लड्डू कटे भले कौन बना लड्डू को बना पांच भगवान करे हमारे का मत है गणेश था कुछ पेट दोगे दर्शन करवा गया नहीं गया कांग्रेस का कोई गया यार? 21,000 मनका दर्शन कराया, 21,000 तो बना वोट ही नहीं आया वहाँ से, कोई लड्डू खावा कोई मत नहीं, वे लोग खाएंगे ये वो वोट ही नहीं देंगे, पक्की बात है। तो सरपंच साहब कह तो है, क्या नाम है आपका? हेमंत जाट। मजा आ गया ना हेमंत जी यार, क्या आज कौन सा गांव है आपका? कीकावास, ग्राम पंचायत कीकावास। अच्छा, ये क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये हमारे इस कॉलेज का उद्घाटन। आधा बोल रहे हो, मैं पूरा बताता हूँ, कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन। कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन, छोरों का नहीं है? छोरों नहीं, ये तो लड़कों के साथ भेदभाव क्यों होता है? अरे वो लड़के तो कहीं भी जा सकते हैं, लड़कियों को दिक्कत आती है अभी उसी वजह से। अब ये कॉलेज बनने से लड़कियों को थोड़ी राहत मिलेगी नहीं मिलेगी? बिल्कुल, ये बहुत राहत मिली अभी, जाना आना लड़के तो कहीं भी रह लेते रात को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़कियां अभी कैसे रह पाती। चुनाव में क्या होगा ये बताओ मेरे को। चुनाव में क्या होगा? बीजेपी जीतेगी नहीं जीतेगी? बीजेपी चौथा नंबर भी आखिरी है, अगर लास्ट नंबर भी रहे तो बीजेपी रही से।
ये वासा की ना टक्कर ही बीजेपी रन कांग्रेस रीजे अरे बड़ी जालो दादा बोर्ड तो मुखड़ो वो तो मारे बता ही था और मुगी रो ठीक है उने ठीक है क्यों जाला साहब होता तो मैं वोट लेऊं पक्की बात है ये अनाज बात ना अनाज विश्वास नहीं अनाज विश्वास नहीं प्रीति सकता वो जिंदाबाद काली वो ऐलान में बाकी अनौपचारिक देखो हुनो दुनिया में सब आसान काम है मोटी मोटी बातें करना कांग्रेस सब की दो नहीं यार कांग्रेस कहीं नहीं की दो एकदम बताओ दो ही बात थी गिरा कांग्रेस सब की दो कांग्रेस नहीं कहीं नहीं की दो हाँ यू की वो एक भी चीज बाकी नहीं रखी सब जी वादा किता जी भाभी साहब पूरा किता नहीं यार छोरारो छोरारो कॉलेज कटो छोरारो भी वाणी माने बटे बटेवर बटे भी कॉलेज दी दो माँ बटे बल्लम नगर काम पे चालू कर रहा है तो काम था गिरा थाने खड़ा करे तो हिम्मत सिंह जाला हूँ बता वोट ले आओ यूं तो मन हटे उबो करे तो मुँह अणा बता वादा कर दू वादा नहीं तो कही है सुना भाई अरे कांग्रेस कई नहीं मतलब हर एक सुविधा आज कई भी दिन देखो आज माने गांव में भी ये लंबी बीमारियों भी अगर कई भी तो बनाने भी पैसा मिल गया मतलब माने गांव में बनो कम कम ही माने गांव में 2 करोड़ वो तो यो इलाज फ्री में करे ली दो मन का बनी के घर में चुनाव कौन लड़े है चुनाव ना लड़े घर में हाँ कौन लड़े मम्मी लड़े पापा लड़े सरपंच रो था वादा हम जन मन पता पड़ गयो वो अतरो मैंने अब धीरे धीरे ध्यान बड़ा लागे मारो बेटो आदमी अतरो बोल रहे हो ये घर में कोई राजनेता है पक्की बात है ये अटना तो है सरपंच सरपंच के घर का लड़न ये है उप सरपंच अरे यार मैं बटना अतरो घटने जय ना था बीड़ी लगे दी थी ये कह रहा है कि हिम्मत सिंह चला देता तो वोट मैं लेऊँ मेरी पंचायत में कितना किसों को वोट मिलता है वो सर्वे हम भी बताते हैं लारा है अटी रही गुराबर साइड रहो तो बोल क्यों नहीं रहा होगा भाषण सुन रहे हो कहीं कह रहा है नेताजी हाउस कह रहे हैं हाउ तो अभी हाउस है सब हाँ आओ आप भी आओ ना यार इधर आओ आप ये हम अच्छा ये क्या आपके मतलब मेरे गांव के ये दोस्त है इनको आपने इशारा किया कि मैं तो कैमरे में आ गया तुम भी आ जाओ ये हमारे गांव के वो है मंडल वो यूथ अध्यक्ष है कांग्रेस के कांग्रेस है तो ये तो फिर कांग्रेस की बात ही करेंगे इनसे क्या बात करूँ मैं बात तो कांग्रेस की करोगे ये कह रहा है हिम्मत सिंह जी जाला देता वोट तो मैं ले हाँ ले आएंगे ना उसमें क्या है पर उन्होंने मिठाई उठाई बांटी है वाह अरे लाडू बांटो वोट नहीं दे मन्ने लाडू बांटने से वोट आएंगे क्या विकास विकास देके वोट देते हैं लोग आज आज भाभी जान ने मतलब देख लो एक साल में इतना विकास करा हुआ था ने पूरा टेम मिले ला दी कई रोके करना गया 5 साल तो मिला ही नहीं टेम यहाँ से 5 साल नहीं मिलिया कितना साल मिले बताओ अड़ा ने कम कम ही आला 1.5 साल डेढ़ साल मिले बाकी हर 3 साल करने मिलियो अरे वो तो मिले वो दो साल तो कोरोना खाई जो नहीं आ रहा पूरा देश यार गोल मोड़ वादा कर रहे हो यार था कि अड़ा ने 5 साल तो गजेंद्र सिंह जी जाने मिला दूसरा थोड़ी होगी अड़ा ने पत्ती दी वे तो बने गया प्रवणी बने मैंने जेन बटे अपने अपने कांग्रेस के लारे पर गया अपने सचिन पायलट के लारे यह बटे कोटे दिल्ली वो मर गया गजेंद्र सिंह रहे तो सर राज तो देखो गुलाब सिंह गर्मी दियो नहीं यार तो पहला 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 काम नहीं होगी काले पण अत्रो आणी पर हे प्रदीप कुमार करायो अत्रो हमणा नहीं करायो अच्छा गुलाब सिंह वो तो करे तोना बिल्कुल वो तो करे ये तो मोकारी खेती है ये आज नेता ये दणारी बात कर ला ये गिरा सब ज्यादा काम करायो कणी ये गिरा गुणा मना रणधीर सिंह जी भिंडर चंदन हानी हटे बड़ा सब बड़ा काम करायो जूझ बने हालत गई यार जूझ बने हालत गई यार हाँ नेताजी यार यूथ कांग्रेस जी इधर आओ हाँ बताओ ये क्या आपने ये कह रहे जिनको बोल तो वीडियो बनाएंगे आपको बोलते हुए का फिर वो रील वील आ जाएगी आपकी क्या कॉलेज लड़कों का नहीं बना ये तो लड़कियों का ही है ना यार लड़कों का क्यों नहीं बना ये लड़कों का हमारा उधर यार मेरे को एक बात पता नहीं चल रही है गहलोत सरफ साहब की मोबाइल बांटे लुगाया ने कॉलेज बना हुआ लुगाया छोरे का छोरा कहीं पकड़ियो छोरा कहीं नहीं बगड़े छोरा बात ही है ना कटे नहीं है छोरा बात कॉलेज बताओ कटे नहीं है यही तो पूछ रही हूँ वल्लभ नगर में है बोनू 2 कॉलेज है वल्लभ नगर में और छोरा तो उदयपुर भी भरा जा आजकल छोरिया नहीं जावा दे यूं तो अमेरिका ही भरा जावे अपन अटे भेज दे काम आवे तो बस यही तो बात है मर्द करने के क्या मर्द करने के तो मर्द के बावड़ो के गाड़ी हम फ्री करेंगे मरनो पड़े नहीं होनी हम तो देखो देव लड़कियों की समस्या आती है लड़कियों की कितनी समस्या आती है अभी मतलब रात को जाना आना गाड़ी में जाना वापिस आना अभी लड़कियों के लिए आधी रात को आए तू लोड अब यहाँ से यहाँ नहीं मतलब यहाँ के इस क्षेत्र के लड़कियों के लिए दी है बहुत जन्नत हाँ होशियार आदमी था देखे बड़ा बात हल्की सी डापा चुक पड़ रही है जो मुंह कवर कर लूँ
तो ये देखो कवरिंग चल रही है, इधर आता हूँ, थोड़ी मौत भी बात आवे अपने, थोड़ी युवा वाली बात आवे है, मगर कुल मिला के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आप चुनावी राजनीतिक माहौल अपन वल्लभ नगर का भी कवर करेंगे, उपचुनाव भी कवर किया था, ये भी कर रहे हैं। आग्रह इतना सा है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।